ऐसे आप लोग एक नए ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। तो भाई अभी सुबह हम लोग का मैच है रविंद्र सरोवर में अकबर क्रिकेट एकेडमी में। तो अभी जा रहे हैं हम लोग, मैं और अफसल निकलेंगे। दो मैच है, एक T20 और एक T10 है, अच्छी टीम से मैच है। तो चलते अभी मैच खेलने निकल रहा हूँ, तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है मेरा। लेट्स सी खेल पाता हूँ या नहीं, ग्राउंड में जाके मिलते हैं आपसे। ओके अफजल, चल पाए दोस्तों। हम लोग पहुँच चुके हैं टोलीगंज स्टेशन की तरफ, मैं और अफजल। अफजल आ गए, देखते ट्रेन शायद मिस हो गई थी मुझे ऐसा लगा, बट अभी ट्रेन आ रही है, देखते टाइम पे पहुंच जाएंगे, 10 बजे तक पहुंच जाएंगे। यहाँ से हम लोग जाएंगे शियालदह से जाएंगे जोरा मंदिर। तो फिलहाल अभी स्टेशन पे देखिए, पूरा एकदम ठंडा मौसम, हवा चल रहा है, तबीयत भी ठीक नहीं मेरा, पूरा ये खाली है पूरा। तो चले चलते हैं अभी ग्राउंड की तरफ, ठीक है। ग्राउंड में जाके दिखाता हूँ आपको कैसा ग्राउंड है, सब कुछ होगा। बैटिंग है भाई अभी, ये देखिए बैट्समैन हमारे जा चुके हैं। मौसम बहुत बढ़िया है आज, ये हमारी सारी टीम टग आउट ये बैठी हुई है। दिलीप भाई हमारी टीम में खेल रहे हैं, अरे मोनू भाई। तो चलिए दोस्तों, थोड़ी देर बाद आपसे मिलता हूँ। अंपायर ग्राउंड में उतर चुके हैं, 11 बज चुके हैं भाई। चलिए भाई दोस्तों, हम लोग दिए हैं 148 का टारगेट। मैं साइड में होकर वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि यार अभी थोड़ा माहौल गर्म है और हम लोग अच्छी टीम से मैच है। जीत जाएंगे फिर खुल के ब्लॉग करेंगे। ओके चलता हूँ भाई अभी फील्डिंग करने, सब उतरे ग्राउंड में, मैं जल्दी आया हूँ साइड में। देखिए बाथरूम है इधर, हर जगह वीडियो बना रहा हूँ। ओके तो चलते हैं भाई और देखते हैं, और होपफुली मन से खेलेंगे। तबीयत मेरा बुखार लगा है मुझे, तब भी मन से खेलूंगा। ओके चलिए आता हूँ मैं। 148 चाहिए, यंग बंगाल से मैच हम लोग, और ग्राउंड है रविंद्र सुभाष सरोवर। हम लोग पहला मैच जीत चुके हैं यार बहुत बड़े मार्जिन से, और मज़ा आ रहा है भाई, अच्छी टीम से हैं जीते मैच। दिलीप भाई बहुत अच्छा बॉल किए और ऑल ओवर सब अच्छा खेले भाई, मज़ा आ गया। ये देखिए अब दूसरा मैच स्टार्ट होने वाला है हम लोग का, अभी 10 ओवर का T10 स्टार्ट होगा अभी, तो देखते हैं उसके बाद रिजल्ट बताएंगे आपको। अभी टॉस नहीं हुआ है, सेम टीम से मैच है अभी, देखिए भाई लोगों से। ओके ये देखिए बहुत अच्छा भाई, ये देखिए ग्राउंड, यही ग्राउंड है। ठीक है तो चलिए दोस्तों भाई फ़ोन रख देता हूँ अभी अंदर, और अभी टॉस होगा फिर सेकेंड मैच स्टार्ट होगा, आपको बीच में बताता रहूँगा स्कोर। टॉस हो चुका है भाई अभी सेकेंड मैच का, अभी हम लोग का बॉलिंग है, अभी 10 ओवर का मैच होगा ये। ओके फिलहाल ये देखिए सब चाय पी रहे हैं, इन्जॉय कर रहे हैं, ये क्लब है एक, ठीक है। अरे हर्ष भाई हमारे आ रहे हैं टॉस करके एम्पायर के साथ, हम लोग का बॉलिंग हुआ अभी। फिलहाल चलते हैं, ठीक है, थोड़ी देर में मिलता हूँ आपसे, बीच बीच में अपडेट देता रहूँगा मैं आपको। फिलहाल मौसम बहुत अच्छा है आज, गर्मी नहीं है। ओके तो फाइनली दोस्तों हम लोगों को टारगेट मिला है 84 का 10 ओवर में, और अभी देखिए फर्स्ट इनिंग स्टार्ट हो गया हम लोग का। मान भाई और हर्ष भाई बैटिंग करने गए हैं, T10 चल रहा है सागर टूर्नामेंट का, तो देखते हैं हम लोग अच्छा चेज कर पाएँ ये मैच और अच्छा खेल पाएँ, ठीक है, देखते हैं। और मैच ये जीत पाए अच्छे से, बस क्योंकि दो मैच हम लोग ऑलरेडी हार चुके हैं T10 का, और ये मैच जीतना बहुत ज़रूरी है, तो लोग टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। लेट्स सी, और आप लोग प्रे कीजिए कि मैच जीत जाए हम लोग और अच्छा खेलें। 84 का टारगेट है 10 ओवर में, 8.4 हर ओवर चाहिए। मैंने एक विकेट लिया, 16 रन दिया, और पिछले मैच में 4 विकेट लिया था मैंने। तो चलिए ओके, इतना बढ़िया वेदर, यहाँ का वेदर देखो आप, ये ग्राउंड है मस्त, हमारा मैच चला, हर्ष भाई बैटिंग कर रहे हैं, देखिए थर्ड बॉल इनिंग का, लेट्स सी ब्रो बाउंड्री लग जाए। ओहो जीत चुके हैं, ये सेकेंड मैच भी जीत गए, सारी भाई 50 बनाए, वेल प्लेड गाइस, वेल प्लेड भाई। हम लोग मैच जीत गए हैं, 9 ओवर में ही जीत गए हम लोग, 50 मतलब 84 का टारगेट था। ये देखिए हैंड शेक हो रहा है, वेल प्लेड सर, वेल प्लेड, वेल प्लेड, वेल प्लेड भैया, वेल प्लेड, वेल प्लेड, वेल प्लेड नोटी भाई, वेल प्लेड यार, वेल प्लेड, वेल प्लेड, वेल प्लेड, वेल प्लेड बोलो भाई, बोलो भाई, वेल प्लेड गाइस, अमन भाई, वेल प्लेड, अमन भाई, वेल प्लेड। फाइनली वी वॉन बोथ ऑफ द मैच बाय द बिग मार्जिन, एंड मज़ा आया खेल के, अच्छी टीम को हराया दोनों मैच हम लोग, दो मैच हार चुके थे दोस्तों हम लोग, और बहुत खुशी हो रहा है भाई जीत के। तबीयत ख़राब था तब भी मैच खेला और जीते मैच, देखिए मज़ा आया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट मैच कब है, अभी टीम में हम लोग बने हुए, मतलब टूर्नामेंट में बने हुए हैं हम लोग, फिलहाल T10 में बने हुए अभी हम लोग, T20 में तो हम लोग तीनों मैच जीते हैं। चलिए पैकअप करते हैं अब और निकलते हैं भाई, अभी पैकअप हो रहा है अब, जो मोनू सब ने अच्छा खेला, अगेंस्ट टीम था ये, विक्की भाई की टीम थी,
और ये ग्राउंड में फुटबॉल सब खेलते हुए यार 3 बजे के बाद अलाउ नहीं होता खेलना, उसके बाद सब लोकल खेलने लगते हैं यहाँ पे, तो भाई बहुत दिक्कत होता है खेलने में। ये देखिए दिलीप भाई, मैन ऑफ द मैच हुए दोनों में, शायद पता नहीं इस मैच में कौन मैन ऑफ द मैच, पिछले मैच मैन ऑफ द मैच दिलीप भाई हुए थे, टी शर्ट में आ रहे हैं। मैन ऑफ द मैच हुए हमारे फर्स्ट मैच के, एक्सलेंट बॉलिंग दिलीप भाई, वेल प्लेड दिलीप भाई, वेल प्लेड यार, मजा आ गया, गजब बॉलिंग। सनी भाई आइए, मैन ऑफ द मैच, और सेकेंड मैच के मैन ऑफ द मैच सनी भाई हुए, मैन ऑफ द मैच मिलता है 1100 रुपये, वेल प्लेड सनी भैया। सेकेंड मैच के मैन ऑफ द मैच सनी भाई, मजा आ गया भाई इनकी बैटिंग देख के। हम लोग का पैकअप हो रहा है, ये देखिए अब निकल रहे घर की तरफ, यार तबीयत मेरा खराब था तब भी आज मैच खेला मैं। ये देखिए पैकअप हो रहा है, इट पैक हो रहा है, अब चले चलते घर की तरफ दोस्तों, रेस्ट करेंगे। 4 दिन अब रेस्ट है, मैच नहीं है हमारा, और अभी जाके रेस्ट करेंगे 4-5 दिन, कोई मैच नहीं हमारा, ठीक है, जा रहे सुमित जा रहे, चलिए ठीक है भाई चलते। वो घर पे आ चुके हैं हम, अभी जस्ट आया हूँ मैं, तो अभी फिलहाल रेस्ट कर रहा हूँ, बहुत थक गया हूँ, सर में दर्द हो रहा है, और देखते हैं मैं और अमन भाई और ग्राम भाई साथ में आए थे, अभी रास्ते में दिखाया नहीं मैं आपको, तो वहीं पे रास्ते में एक रेस्टोरेंट में था, सिराज रेस्टोरेंट हॉल पार्क में, हॉलैंड पार्क ऐसे कुछ नाम है, हॉलैंड पार्क, तो वहीं पे खाना खा लिया था हम लोगों ने दुकान पे खाना खाने, और मैं तो शाम में खाना खा लिया था। ये हमारे राजकुमार भाई खाना खा रहे हैं, तो हमारा दाल तड़का यहाँ का फेमस है, और रोटी। ये हमारे राज भाई, स्माइल देखो इसकी भाई, खा खा भाई खा, मुझे ला दो भाई, मैंने खाना खा लिया था अमन भाई के साथ, तो फिर अभी इन आ गया, मतलब इनके साथ आ गया मैं, अभी जाके थोड़ा दूध दूध पी लूँगा और सो जाऊँगा यार, ठीक है। तो कल 3-4 दिन हमारा मैच नहीं है अभी, तो फिलहाल देखते हैं जैसा होगा आपको बताऊँगा, अभी जा रहे रूम पे खाना खाने के बाद दूध दूध ले लेंगे और ठीक है, और रेस्ट करेंगे भाई, क्योंकि मेरा शोल्डर में भी बहुत ज़्यादा पेन है, आज जबरदस्ती मैच खेल लिया।